यहाँ पे बंदे हैं इनके ऊपर पहले एम कर लेते हैं। तो वो जो सुप्रीम है उससे हम ये इनकी फसल फसल जला सकते हैं, और ये वाले जो बंदे हैं इनको जला सकते हैं। बेला चाओ, किसी ने देख लिया है यहाँ पे बंदा है। ये दोनों उनके बंदे हैं, इनको तो आग लगानी पड़ेगी। हेलो गाइस, व्हाट्स अप, तो वेलकम टू फार क्राई 6 पार्ट 3। तो अभी हमने इस नए वाले वेपन को टेस्ट करने के लिए यहीं पे जाना है, हमारा मिशन है, और हमें यहाँ इसके साथ बात करनी है, क्लेरा के साथ। ये अपने यहाँ पे टेबल पे मैप वैप लेके यहाँ पे पूरे प्लान के साथ खड़ी हुई है, और इसी से हमें बात करनी है। चले बात करते हैं। I don't need to tell you that Viviro is the lifeblood of Castillo's regime. He's built work camps to produce it all over Yara. These plantations use outcasts as slaves to grow the tobacco plants they turn into Viviro. These are our people, Danny. Beaten, tortured, sprayed by poison chemicals. There's a camp on this island. We tried to destroy it when we invaded. We failed. Now, we're going to finish the job. Julio is waiting for you at a nearby barn. बस इतना ही उसने कहना था। तो ये मिशन है हमें फायर एंड फ्यूरी। तो ये चूलियोस हेड, वो जो इसने बनाई है चीज़, जाके हमें टेस्ट करनी है बस। Suerte. अभी इस तरफ से आई थिंक शॉर्टकट रास्ता है, यहाँ से हम इसके ऊपर चढ़ के जा सकते हैं। Hola guerrilla. Time for a test drive of that supremo. Now if things get too heavy with the soldados, just pull the trigger. यहाँ से भी लूट वूट मिल रही है। One tiny, tiny thing you should know. The supremos are in an experimental. यहाँ पे पीछे भी लूट पड़ी हुई है। They need time to breathe after you use them. You know, so they don't overload and kill you. Could have told me before I strapped one to my back. Just let that supremo feed off the blood of your enemies. What? You'll get it, Danny. You'll get it. इसके अंदर 100 बार हम फायर चला सकते हैं। इसके अंदर मौली है, इसके अंदर गोलियां भी हैं। तो भी मैं जाया नहीं करना चाहता, इसलिए यहाँ पे भी स्क्रैप सा पड़ा हुआ है। ये सारा हमारा चीज़ों को अपग्रेड करने का काम आएगा। लालटेन यहाँ पे पड़ी हुई है, मतलब यहाँ पे बंदे हैं। हम जिस चौकी की तरफ जा रहे हैं वो यहीं पे है, पास ही है। उसके ऊपर निशाना लगा के रखते हैं। यहाँ पे भी कोई तो बॉक्स नज़र आ रहा है इसके अंदर, मैप के अंदर। चाहिए था ये वो टेबल है, इसके अंदर हम वेपन वगैरह को इसके साथ सिलेंडर लगाए हुए हैं बहुत सारे छोटे छोटे, ताकि ये आग लग सके उनको, दुश्मन को। क्या हमें स्किन भी मिली हुई है यहाँ पे? ये वाली स्किन अनलॉक हो चुकी है, वो मैंने अपने वेपन के ऊपर लगा दिया है, और फ्री में स्किन मिली है कहीं से। अब देखते हैं इसका डैमेज, डैमेज सारा कुछ बढ़ेगा, लेकिन ये ऐसा ऐसा हमें चीज़ें मिलेंगी। अभी इनमें से हमारे पास कुछ भी नहीं है कि यहाँ पे ये नीचे कुछ नज़र आ रहा है, स्किन विन है
के साथ कुछ चैन लटकाने के लिए मिली है, और इसके साथ इसकी भी स्किन मुझे मिली है, उसकी ग्रीन वाली मिली है और इसकी ये येलो वाली मिली है। और अब देखते हैं अपनी गन्स वगैरह उठा के। इसका डैमेज शैमेज पता नहीं कम क्यों दिखा रहा है। शायद इसके साथ स्किन लगाने से इसका डैमेज कम या ज्यादा हो जाता है। इनमें से पांच चीजें हमारे पास आ चुके हैं, राइड, वेपन, ट्रेड कर सकते हैं हम, हमारे पास ये जितनी भी हमने चीज़ें इकट्ठी की हैं ये ट्रेड कर सकते हैं। आर दबा के सारे को ट्रेड कर लेते हैं और उनसे जो चीज़ें हमें मिलेंगी हम देखते हैं। वेपन वगैरह मार्केट यहाँ पे नज़र नहीं आ रही, शायद कोई ट्रेडर होगा बंदा को मुझे ढूंढना पड़ेगा, या यहाँ पे ऑप्शन होगा ट्रेडिंग का। यहाँ पे तो कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा दूर दूर तक। ट्रेडिंग इन्वेंटरी नज़र आ रही है, कलेक्शन नज़र आ रही है, ये कोई ट्रेडर होगा उससे हमें फ्यूचर में मिलना पड़ेगा शायद। यहाँ पे भी कुछ तो है। Guerrillera. ¿Qué bola? You want to hit the military where it hurts? There's an anti-aircraft sight on Santuario. Blow it up. Thank you. ये अपना ही बंदा है। मुझे पता नहीं था यहाँ पे बंदा है, लेकिन इससे हमने मिलना था तो इसको भी मिल लिया। यहाँ हमने चीजें यहाँ से उठा ली हैं, दो ग्रैपलिंग हुक लगाते हैं, पीछे चलते हैं पार वाली साइड में। नहीं बल्कि मुझे लगता है ये सिप लाइन हम यूज़ कर सकते हैं पार जाने के लिए, ऊपर से जा सकते हैं जिप लाइन यूज़ करके। नहीं, ये जिप लाइन का ऑप्शन ही नहीं आ रहा, नीचे ही जाना पड़ेगा। थोड़ी सी हेल्थ चली गई है, कोई बात नहीं। थोड़े से पास रह गया। ये वही वाला मेरे ख्याल से मिशन है जहाँ पे मैंने पिछले मिशन में बताया था कि यहाँ पे भी एक मिशन होगा, एक बंदे से यहाँ पे हमें मिलना है। ही इज़ वेटिंग फॉर यू। हाँ, उस बंदे से मिलना है। फिलहाल अटैक वटैक नहीं होगा, लेकिन बाद में वहाँ से जो गुजरेंगी चीज़ें, गाड़ियाँ वाड़ियाँ, उन पर अटैक करना पड़ेगा। मुझे अभी सीधे रास्ते से यहाँ से जाना है, और ये वेपन इसी एरिया के अंदर ट्राई हो सकता है कि भाई सेफ है। यहाँ पर ये फाइनली बैठा हुआ बंदा, इसके साथ बात करनी है। I'm not going to bullshit you. I wanted to do this alone, but Clara gave me an order. I can handle myself. Don't give a shit. So could Lita. She should be here right now, but instead I get you. And I'm supposed to be in Miami, but instead my two best friends are dead, and I'm stuck here with you. So, truce? Enough talk. Step one, we hit the tobacco. Step two, we destroy their poison supply. Step three, we get the fuck out of there. Okay, I got a nice pretty message from Libertad.
God. Watch what you're doing. Sorry, मैंने उसको चाकू मार दिया. So. Got it. Take this gear. It'll protect you from fire and more importantly, Castillo's fucking. मैं उसे देख रहा था. वो उसको वहां पे घसीट के ले गया. बहुत ही पावरफुल है. अब भी हमें क्या करना है यहाँ पे? बेटर सूट अप विद दैट गियर. वेटिंग फॉर. गेट दैट गियर ऑन. यहाँ पैसे भी कुछ मिला है मुझे और इस तरफ इस कमरे के अंदर भी कुछ मुझे अभी फिलहाल नज़र आ रहा है, लेकिन अंदर जाने का रास्ता नज़र नहीं आ रहा. बारिश बहुत ही खूबसूरत हो रही है, आसमान पे बादल आए हुए हैं. इस वाली खिड़की से अंदर जाना है शायद. ये दरवाज़ा है इधर. ये वाला बॉक्स खोलना था. इसके अंदर से भी कुछ मिली हैं चीज़ें. और कुछ रह तो नहीं गया. अब इससे मेरे ख्याल से ये बड़ा बॉक्स उठाना था और इसको आग लगानी थी. यहाँ पे किसी चीज़ को तो आग लगानी है. You got a death wish? Gear up. Go ahead. I dare you. इधर मैंने ये किया, ये नाराज हो गया. You sing out. Can't fight if you're dead. Put the gear on. Gear on हो करके यहाँ से कहाँ जाना है? What are you waiting for? Get that gear on. गियर ऑन का मतलब कि वो जो यहाँ पे हमें मास्क वगैरह दिया हुआ है वो कहीं से जाके इन्वेंटरी के अंदर से मेरे ख्याल से मुझे जाके वो मास्क वगैरह ये मास्क तो मैंने पहना हुआ है. Fight if you're dead. Put the gear on. ये बार बार गियर ऑन कर. ओ ये वाला तो मैंने पहले देखा ही नहीं था. ये बहुत ही तबाही दार चीज है. कौन सा गियर ऑन करना है, क्या करना है? बार बार वही चीज बोल रहा है. इसी को मैं मार दूंगा उठा के. पता नहीं यहाँ से आगे करना क्या है. कौन सा गियर ऑन करना है? हाँ Huh!
या फिर शायद यहाँ से और भी कुछ चीज उठानी है, कुछ भी समझ नहीं आ रही। You got a death wish? Gear up. Can't fight if you're dead. Put the gear on. You think that's funny? Can't fight if you're dead. Put the gear on. ये तो इन्वेंटरी में जाके यहाँ से गियर ऑन कर लेते। ये सिर्फ पैंट पहननी रह गई है। ये बूट भी पहन लेते हैं, नए मिले जंगल से। ये भी पहन लेते हैं, ये भी पहन लेते हैं। ब्रेसलेट ये पहन लेते हैं, घड़ी या फिर ये ठीक है। Using the right protective gear in the right situation will keep you alive.
Yeah, right tool for the right job. Been hearing that a lot lately. अब हमें सिर्फ इसके पीछे जाना है. Listen, Julio. Lita was like a sister to me. हेलमेट तो मैंने पहन लिया था, बाकी ही चीजें रह गई थी, वो मैंने पहन लिया. No. Anton Castillo killed Lita. If I could change anything, it would be me dying on that beach. Lita was a better person than I could ever be. And if she loved you, well, that just says a lot about who you are. No. Look. If you and I are going to do this, you need to know about the police. फिलहाल मैं ये वाली गन ले लेता हूँ. They spray on the leaves. Its real name is PG-240, but we call it the poison because it fucked up your system. Try not to breathe it or get it on your skin. It can make you go fucking crazy or sick, like deep down sick. काम का टाइम है, सूरज ऑरेंज हो चुका है. Coño. So you're military. Marksman? Follow Julio. ये आगे हमारे जूलियो जा रहा है, इसको हमने बस फॉलो करना है. चौकी काफी दूर है. That gear I gave you was good for fire and poison, but guerrillas need gear that fits their style, no matter the situation, or they get themselves killed. लगता है ये शॉर्टकट रास्ता भी पता है, यहाँ से जा सकते हैं. Right behind you. Let's see what we're up against. हाँ, इसके ऊपर चढ़ना पड़ेगा. Up here, dale. ओके. पहले मैं ये वाला यूज कर लेता हूँ, हो सकता है हमारे पास कुछ चीज आ गई हो एडवांस. फिलहाल नहीं, फाइट के बाद मेरे ख्याल से मिलेंगी चीज़ें, तो अपग्रेड होगा. फिलहाल इसके ऊपर चढ़ते हैं. टावर है यहाँ पे, यहाँ से हम नज़र रख सकते हैं उनके ऊपर. यहाँ पे भी बैग वगैरह पड़े हुए लूट वाले. And the yellow poison tanks. See. बस एक ही था. Punch holes in the tanks to let the poison out into the air. Fun fact. Poison and fire make a hell of a mix. Big. Boom. Same idea with the fumigators. They're hard to kill, but they can't take the heat. You've got a flamethrower. You've got that Supremo. Time to fuck up all this Vaviro bullshit. You know, Chappale and I had a ritual. Psych us up before battle. यहाँ पे बंदे हैं. A song. इनके ऊपर पहले एम कर लेते हैं. Hit me. तो वो जो Supremo है उससे हम ये इनकी फसल delivered था. फसल जला सकते हैं और ये वाले जो बंदे हैं इनको जला सकते हैं. Bella ciao ciao ciao. Bella ciao. स्कैम के अंदर भी काफी फेमस गाना है. For Lita. Let's make some chaos, Danny. Officer. ओ, वो चला गया, हमें उससे पीछे जाना पड़ेगा. Go, go, go. ये हमें आगे भेज रहा है बंदा, को इससे जलाना पड़ेगा. ये डेंजरस वाला बंदा है. ये अपना ही बंदा है, मैं इसको भी मार देता. We'll burn this fucking place to the ground. यहाँ पे गाना भी लग चुके हैं. पूरी फसल उदी शायद जल जाएगी. चल रहे हैं बंदे उधर. चारों तरफ उनके बंदे हैं.
वो हम पे कुछ चीजें फेंक रहे हैं। को रिवाइव करना पड़ेगा। ये गाना इसके दिमाग के अंदर चल रहा है। किसी ने देख लिया है यहाँ पे बंदा है। ये दोनों उनके बंदे हैं, इनको तो आग लगानी पड़ेगी। बॉम्ब्स ही बॉम्ब गिर रहे हैं यहाँ पे। इस तरह भी बंदा है कोई। इनसे आई थिंक मैं ले सकता हूँ, मुझे गोलियाँ मिल गई हैं। इसको भी किसी ने मार दिया। लग रहा है चौकी क्लियर हो चुकी है। ये पीछे आ चुका है, ये हमारा बंदा है। तो कोई हेल्प वगैरह चाहिए हो तो हम दे सकते हैं। इसको रिवाइव कर दिया मेरे। अब बाकी ये जो खेत वगैरह हैं अभी भी हमला हो रहा है शायद। 48 गोलियां लग चुकी हैं, ये मैंने उड़ा दिया। यहाँ से ये टेक्नोलॉजी इनकी उठा सकते हैं। ये मैंने उठा ली, अब ये एरिया खाली हो चुका है। शायद इन टैंकों को उड़ा के भी इनको मार सकते थे। ये पूरी जगह को जलाने से पहले इनकी लूट ले लेते हैं यहाँ से। गाना ये चल रहा है लेकिन कॉपीराइटेड ना हो। यहाँ से अब ये भी उड़ा देते हैं। इनकी सारी फसल जो है ये बस तबाह करनी है ताकि ये आगे बेच ना सकें, और ये यहीं पे कमज़ोर हो जाएगी इनकी टीम। ये ऊपर बंदा है, वो उस तरफ है, ये उनका पेट है। इसको आई थिंक पेट बना सकते हैं हम। ये दुश्मन का पेट था, इसको पेट नहीं बना सकते शायद। ये जो रेड रेड अभी भी काफी बचे हुए हैं खेत इनके।
बहुत तेज म्यूजिक है और बंदे भी आ रहे हैं यहाँ से, तो आग से उड़ा सकते हैं। उड़ा दिया मैंने इसको, तो आग लगाओ ना तो वो उड़ जाता है बंदा, क्योंकि इसके पीछे एक सिलेंडर होता है। ओ, मुझे भी आग लग रही है। ये वाले खेत भी जला देते हैं इनके सारे। खेतों को आहिस्ता आहिस्ता आग लग रही है। आई थिंक ये वाले खेत इनके जल चुके हैं, चेक कर लेते हैं। ऊपर बस परसेंटेज नजर आ रही है। दरवाजा बंद है। रिवाइव करना पड़ेगा इससे पहले कि दुश्मन आ जाए। यहाँ पे भी दुश्मन है। सिर्फ कहीं से तो आ रहे हैं नजर। पता नहीं किधर है, लेकिन फिलहाल ये वाला खेत चला देते हैं। ये फटेगा टैंकर तो खुद ही यहाँ पे आई थिंक आग लग जाएगी। तो ये वाला खेत 67% हो चुका है। ये इस तरह से कहीं से बंदा आ रहा है। इसके अंदर भी जा सकते? नहीं, इसके अंदर नहीं जा सकते। यहाँ पे बंदा नज़र आया मुझे कहीं पे। देखने से पहले मैंने उसको मार दिया। अब इस तरफ भी बंदे हैं। तो ये भी डिस्ट्रॉय करना है आई थिंक। उनको भी आग लग जाएगी होती। दूसरे वाले को भी डिस्ट्रॉय करना है। तो गैस निकल रही है। ओ, उसके पास जाना ही नहीं था मुझे, फट गया। गोलियां कम है मेरे पास। वाले को आग लगा देते हैं। ये सूट है यहाँ पे। ये वाले भी तबाह करने हैं तो इनको भी आग लगा देते हैं। यहाँ से भाग जाते हैं। On my way. पिस्टल में गोलियां बहुत हैं।
इस तरफ बंदे हैं, पीछे से जानना पड़ेगा, बंदे की उधर ही नजर है। ये वाला इलाका क्लियर हो चुका है, ये वाले मैंने टैंक तबाह कर दिए हैं। अब इस तरफ खेत रह गए थोड़े से इनके। इसलिए कहूँ कि इतना बड़ा ये माफिया चलाते हैं तो इनका पैसा कहाँ से आता है? तो इस तरह से आता है। तो बहुत हेड बैक। ओके, मैंने कंप्लीट कर दिया मिशन, बस वापस जाना है। तो उनको लूट लेता तो उनकी वेपन वगैरह मेरे पास आ जाती। क्योंकि मेरे पास गोलियाँ वोलियाँ नहीं हैं यहाँ पे। बहुत सारी लूट यहाँ पे मैंने छोड़ दी हुई है। क्या इनके अंदर से भी हम कुछ कलेक्ट कर सकते हैं चीजें? ये इनके अंदर गैसोलीन है जो हमारे मेरे ख्याल से इस वाले वेपन के अंदर कलेक्ट हो रही होगी। देखते हैं अभी यहाँ पे है 233, नहीं अभी भी 233 ही है। ये वाली वेपन भी हम ट्राई कर सकते थे। खाली हो गई है। लूट अलग अलग जगह पे छुपाई हुई है इन्होंने। ये वाला खेत आई थिंक रह गए थे। वापिस चलते हैं अपने टावर की तरफ। गोलियां खुदी आ चुकी हैं हमारे पास वापिस। ज्यादा खास लूट नहीं थी। यहाँ पे वापिस इस वाले बंदे के पास जाते हैं और बात करते हैं। You really can hold your own. I don't want to say I told you so, but... Look, we should move. That was a hell of a light show, and they're going to see the smoke. We work well together. See, listen, if you were good with Lita, you're good with me. Gracias, Danny. Meet you back at camp. Mission complete ho chuka hai. Ye operation complete. Fire and Fury. तो ये हमें शुक्रिया अदा कर रहा था। अभी हमें वापस चलना है उस निक कैंप की तरफ, शायद इसके पीछे चलना है तो फॉलो करना है। को हम अगर अपना कैंपेनियन बना सकें किसी तरह से। अब हमें वापस किधर जाना है ये हमें पता करना पड़ेगा। हमें इसके पीछे तो नहीं जाना, मुझे पता है। अब हमें वापस घर जाना पड़ेगा। चलो थोड़ी देर इसको फॉलो करते हैं, देखते हैं ये कहाँ जाएगा।
Clara. I hope you can see the smoke from where you are. You struck a blow against Castillo today. I hope Julio wasn't too rough on you. He's hurting, but okay. I think Lita would be smiling right now. Danny, there's someone I want you to meet. His name is Benito. He's a local fisherman, which means boats for Libertad. He lives on the east side of Casas Cove. Always got time to make new friends. You're building bridges for me, Danny. It's your gift. We need Benito. Talk to him. हम वापस इसी के वो जहाँ से मिशन स्टार्ट हुआ था वहाँ से वहाँ पे वापस आ चुके हैं और ये यहाँ पे रहता है तो यहाँ पे आ चुका है वापस, लेकिन हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। हमें किसी से बात करनी है। क्लारा वांट मी टू मीट द एक्स गोरिल्ला एट दिस शिपयार्ड। तो यहाँ पे शिपयार्ड पास ही है, तो उस वाले एक्स गोरिल्ला को, शायद उसने हमारी टीम छोड़ दी है, तो उसको हमें अभी यहाँ से मिलना है। शॉर्टकट यहाँ से लेते हैं, तो ये घोड़ा यहाँ पे अगर मिल जाए तो वैसे ये पास ही है। शॉर्टकट रास्ता हो अगर तो ये शॉर्टकट ही है। पट्टे लगाए हुए हैं जगह जगह और ये कैंडल्स लगाई हुई हैं। रात को अंधेरा हो जाता होगा रास्ते पे। वहां पे कोई बंदा भी है तो यही रास्ता है इधर से जाने का। ये वाली लेक को फॉलो करना है। ओह, योर लुआस मस्ट बी वाचिंग मी। जी, दूसरी को चीज हमने उठा ली है, वेपन गियर। इनके पास टैंक भी हैं और ये वाली चौकी है। इस वाली चौकी को कैप्चर करना है। स्टील मिलिट्री सप्लाईज एंड रिसोर्सेस। यहाँ पे अब जब मैं यहाँ पे पहुंच गया तो यहाँ पे मुझे घोड़ा एक नजर आ रहा है, तो जरूरत नहीं है वैसे। बहुत सारे रास्ते हैं यहाँ पे, इस वाले रास्ते से होके जाते हैं। कुछ जंगली जानवर भी है शायद यहाँ पे। यहाँ से ऊपर जाने का कोई रास्ता होगा। यहाँ से इसके ऊपर एक कोई बॉक्स पड़ा हुआ है। Hola. Hi. What the? ये अपने बंदे।
कोई भी अटैचमेंट्स अभी तक नज़र नहीं आ रहे इसके साथ लगाने के लिए। 2x को 8x भी है इसके अंदर, 4x भी। यहाँ से नीचे नहीं जा सकते, राइट साइड से दोबारा से पीछे से होके जाना पड़ेगा। पर बॉक्स अभी भी यहाँ पे नजर आ रहा है। अच्छा ये वही है। यहाँ से अपना घोड़ा बुला सकते हैं, शायद अभी पास ही है तो जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत पास है यहाँ से। वापस जाते वक्त यहाँ से बुला लेंगे घोड़े को। गाड़ी यहाँ से गुजर रही है दुश्मन की। चौकी है तो यहाँ पे भी चीजें हो सकती हैं। जगह जगह इन लोगों ने अपनी चौकियां बनाई हुई हैं। कोई तो है यहाँ पे गाना गा रहा है। बेला चाओ इसको बहुत पसंद आ गया। ये वाली चौकी है, यहाँ से हमें कुछ करना है। गेम लैग हुई है, यहाँ पे बंदे हैं। अच्छी वाली गन ले लेते हैं। सेफ ही लग रहा है इलाका, शायद उस बंदे से जाके बस बात करनी है। टेप लगी हुई है, कोई गाना सुना है। Let me guess. Clara Garcia talked you into this. She even had officers hooked on her libertad nonsense. Convinced us to help her little invasion of Santuario. Fuel the revolution. Five of my best. Now Clara calls me begging for boats, more recruits. Pfft. I'm a pirate first, fisher second. Thank the blockade for that. We use our boats to pull fish from the sea. ये मिशन पूरा करने के बाद हमें ये वाली फिशिंग रॉड एक मिलेगी। But el presidente tightened his grip. The new comandante, Rosario, उसे हम मछलियां पकड़ के बेच सकते हैं। Keep it out of Libertad's hands. Murders anyone who dares get near it. Clara wants us to help Libertad. Take back that refueling station. Kill Rosario. Help put food back on our tables. Suerte, mija. Hey, holy short today. Every day. मेरे पास फिलहाल अपग्रेड करने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन जगह जगह ये चीजें लगी हुई हैं, तो मुझे शायद मुझे वेपन अपग्रेड करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन होगा सेलिंग करने के लिए। यूएसपी मिली है यहाँ से। Been doing that since I was a kid. You're in the big leagues now.
need a car, just call for one. I'll have a friend bring it right to you. Gracias. Mm-hmm. But you don't have any friends, Juan. Just shut up and call for a car, Danny. Dímelo. Carajo, I'm exhausted. यहाँ पे एक और बंदा है. अब हम यहाँ कहीं से कार वगैरह बुला सकते हैं. ओके, व्हील में से ही हम यहाँ पे कार बुला सकते हैं और कार गए ऊपर राइड करके. ये विंटेज कार है कोई पुरानी. Your ride will be delivered right to you. Taxi bula sakte hain. Kyunki ye mission bahut hi dur hai. Yahan pe kuch niche chupaya hua hai inhone. ये डिब्बा पता नहीं यहाँ से कैसे खुलेगा. तो इससे भी तो तोड़ सकते हैं. अब इससे कुछ हेलमेट वगैरह मिला है मुझे. ये वाला हेलमेट उतार के ये वाला पहन लेते हैं. ये भी कोई अपना ही बंदा है. यहाँ पे और शायद कोई लूट वगैरह नहीं बची. ये बैग पड़ा हुआ इधर. ये डॉग है, इसको शायद यहाँ पे पेट बना सकते हैं. गुड डॉग, गुड डॉग. ये गाड़ी को नॉर्मल गाड़ी नहीं है, इसके ऊपर भी वेपन्स लगे हुए हैं. इन्होंने शार्क लटकाई हुई है पकाने के लिए. ठीक है, इस एरिया में हमें जितने भी छानबीन करनी थी हमने कर लिया. अब यहाँ पे लाते हैं गाड़ी. आई नीड टू सिक्योर गैसोलीना फॉर एंड हीज फिनिशेस फ्रॉम गुबाजा फ्यूल. एक और हमें वहाँ की चौकी जो है वो करनी है, लेकिन वो हम अगले एपिसोड में गाड़ी बुला के करेंगे. तो ये वाली एपिसोड यहीं एंड करते हैं. तो यहीं से हम स्टार्ट करेंगे. लाइक सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय.